मकर संक्रांति पर पतंग के धागे से गला ना कटे, इसके लिए करणी सेना व शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को गले में पट्टी बांधकर किया जागरूक। जी हां, नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। संवाददाता अवनीश शर्मा की वापसी से खास रिपोर्ट। गुजरात में उत्तरायण का पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है, मगर इसी अवसर जो पतंगबाजी हो रही है वह हजारों पक्षियों पर मौत का तांडव मचा रही है। अलग अलग स्थानों पर पतंग के मांझे से यहां सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं, साथ ही सैकड़ों पक्षी कटकर मर गए हैं। पतंगबाजी के कारण ही कई युवकों की जान चली गई। इसी संदर्भ में वलसाड जिला वापी जीआईडीसी 4 रास्ता पर थाना अध्यक्ष बीजे सरवैया की उपस्थिति में मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, प्रवक्ता करणी सेना सुमित प्रताप सिंह की अगुवाई में आने जाने वाले लोगों को पतंग के धागे से बचने के लिए गले में पट्टी बांधकर जागरूक किया। इस मौके पर प्रवक्ता करणी सेना भारत रविंद्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज सिंह, मीडिया प्रभारी करणी सेना भारत, सहयोगी प्रवीण कुमार, पूजा गुप्ता आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरा सुरक्षा नाम है, मैं एडवोकेट हूँ करणी सेना भारत से, प्रवक्ता वलसाड से। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि करणी सेना एक बढ़ चढ़कर काम कर रही है, सीधे ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा कर काम चल रहा है और पूरा प्रशासन हमारे साथ में। यातायात का जरूरी आज दो पर्व है, मकर संक्रांति भी है क्योंकि पतंग उड़ाए जा रहे हैं और दूसरे यातायात नियमों का भी आज पालन करने का 17 जनवरी तक अभियान चल रहा है, जैसे कि पुलिस हम लोगों को बता रही है। और हम लोग सबसे निवेदन करेंगे कि जो एक्सीडेंट है आज नहीं, यातायात का मतलब हर दिन पर्व होता है कि हर दिन पहन के चलिए। आज ये नहीं कि हम इसको जागरूक कर रहे हैं, तो हम अपने क्षमता से कर रहे हैं। आप लोग हेलमेट पहने, सेफ्टी बेल्ट पहने, ओवरटेक में मत करें। ये हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जो है निवेदन भी करते हैं, अनुरोध भी करते हैं, आभार भी करते हैं। जो अपने प्रोग्राम रखते हैं, देखिए हमारे अध्यक्ष जो है दक्षिण गुजरात से, अमित जी के मन में सोच है कि क्यों ना कोई ऐसा काम करें जो बढ़ा के पूरे जितने भी जहाँ तक हमारे लोग जहाँ तक पहुँचा, एक बुद्ध स्तर पर कम से कम 10,000 पट्टे छपे हमारे उसमें, और कम से कम जितने भी बाइक्स वाले हैं, टू व्हीलर्स वाले हैं, उनको जो है कि हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि अगर एक भी जान बच गई तो हमारे पुलिस बल का, हमारे सैनिकों का, सारों का जितना जो एक कहते हैं हौसला अफजाई होगा और एक जान बचने से हमारा जो कार्यक्रम सफल होने का काम। एक और क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते हैं तो इनको कुछ देखिए, इसके लिए तो माता पिता जो हैं या घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो ये गाइडलाइन दें, उनके साथ रहें और कोशिश ये करें। देखिए पर्व है, इसको हम मनाने से नहीं रोक सकते, लेकिन सावधानी बचाव है, तो सावधानी अगर बरतेंगे तो बचाव अपने आप है। तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, इसको मनाएं लेकिन सेफ रहें, सुरक्षित रहें। We'll be right back.